क्या उपसभापति चुनाव से 2019 की तस्वीर साफ हो गई है? 2019 के चुनाव में आखिर किसका कुनबा होगा मजबूत? आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ भानुमति का कुनबा जोड़ने की कवायद में जुटी कांग्रेस को उस वक्त जोर का झटका लगा जब राज्यसभा उपसभापति के चुनाव में उसके उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव ने न सिर्फ विपक्षी एकजुटता की पोल खोलकर रख दी बल्कि ये भी साफ कर दिया कि 2019 लोकसभा चुनाव में किसका कुनबा ज्यादा मजबूत होगा। सियासी जानकारों की माने तो बीजेपी ने राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव के जरिए जहां एक तरफ अपने सहयोगियों में विश्वास जगाने की कोशिश की है तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों की एकजुटता का भी पता लगा लिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी ये टटोलने में भी कामयाब रही कि 2019 में जरूरत पड़ने पर कौन कौन सी पार्टियां उसके साथ आ सकती हैं। बीजेपी के लिए सबसे राहत की बात ये रही कि नाराजगी के बावजूद शिवसेना और अकाली दल पूरी मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़ी रही। इस चुनाव से ये साफ हो गया कि 2019 के चुनाव में कौन कहां खड़ा है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस पद के लिए जेडीयू के उम्मीदवार पर सहमत होना बीजेपी की मजबूरी भी थी और दूरदर्शिता भी। ये वर्तमान सहयोगी पार्टियों के लिए एक तरह का आश्वासन भी था। हालांकि एकमात्र बड़ी पार्टी होते हुए भी उसके पास चुनाव जीतने के लिए जरूरी सीटें नहीं थी, इसलिए ये सीट जेडीयू को देकर बीजेपी को दूसरी पार्टियों का सहयोग जुटाने में भी मदद मिली। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर नवीन पटनायक को कुछ मजबूरियों के चलते बीजेपी को वोट देने में दिक्कत थी तो जेडीयू के उम्मीदवार को वोट देने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई और यही बात तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के लिए भी लागू होती है। बीजेडी और टीआरएस का समर्थन होने की वजह से बीजेपी चुनाव जीतने को लेकर काफी हद तक निश्चिंत थी, मगर एआईएडीएमके को लेकर थोड़ी संशय जरूर था। लेकिन जयललिता के निधन के बाद एआईएडीएमके ने शायद ही ऐसा कोई कदम उठाया हो जिससे मोदी सरकार को दिक्कत का सामना न करना पड़े। हालांकि बीजेपी का कुनबा 2019 तक कितना एकजुट रह पाता है ये देखना दिलचस्प होगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।